आता है, फिर मैं खुश होते हैं। आखिरी वक्त है, आखिरी टाइम है, अल्लाह के नबी को जब खुश आता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सलातु बिमा मलकत अयमानुकुम, अस्सलातु बिमा मलकत अयमानुकुम, अस्सलातु बिमा मलकत अयमानुकुम। नमाजों की पाबंदी करना, गुलामों के साथ अच्छा सुनना, नमाजों की पाबंदी करना, अपने नौजवानों के साथ अच्छा सुलूक करना, नमाजों की पाबंदी करना, अपने मातहत लोगों के साथ अच्छा सुलूक करना। आखिर वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नमाज की तरगीब दी और हम लोग हैं कि नमाजों को छोड़ रहे हैं। दोस्तों नमाजों को पकड़ लीजिए, आ जाइए मस्जिद में, आ जाइए पहले मस्जिद में आइए, उसके बाद हमारे सारे के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, मेहनत करने वाला मुसलमान बनिए दोस्तों, मेहनत करे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ऐसे ही उठे, ऐसे ही गए कॉलेज को, गए आए, गए दोस्तों में बैठे, टीटी टाका करे, रात हो गई सो गए, फिर ऐसे ही आए, नहीं। मुसलमान मेहनत का होना चाहिए। इसके बारे में कुरान कहता है वाले सर इंसान की जमा चाह, अगर इंसान मेहनत करे तो लगा उसमें उसको कामयाबी देने वाले हैं। इसीलिए मेहनत कीजिए, मेहनत कश करिए, सोने से सुस्ती से काम नहीं चलेगा, मेहनत करिए दोस्तों। खास तौर पर मैं नौजवान यहाँ पर मौजूद है उनसे कहना चाहूंगा अपनी सेहत का ख्याल रखिए। क्यों सेहत का ख्याल रखना है, अल्लाह ताला को एक कमजोर मोमिन से ज्यादा अल्लाह ताला को ताकतवर मोमिन पसंद है। कैसा ताकतवर हो, सिर्फ बॉडी से, खाली बॉडी से रहना ताकत अपने, सिर्फ बॉडी से नहीं, ईमान की भी ताकत चाहिए। नमाज भी पढ़ना है, कुरान की तिलावत करना है, पड़ोसियों का हक अदा करना है, गैर मुस्लिमों में दावत का काम करना है, गैर मुस्लिम भाई को समझाना है ये इस्लाम है। इस्लाम सिर्फ दहशतगर्दी का नाम नहीं है। लोग गैर मुस्लिम भाई हमारा, चाहे हिंदुस्तानी भाई, हमारे हमवतन भाई, ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार की नोक पे फैला है, नहीं फैला है।